हाँ, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है। सो क्या रीजन था कि आपने रशिया सेलेक्ट, आपने कभी यहाँ पे रेसिज्म तरह का कुछ फेस किया, और कैसा अभी तक हमारा एक साथ एक्सपीरियंस रहा है हमारी सर्विसेज को लेकर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ MBBS इन्फो। सो आज हमारे साथ है यश, जो कि सच यूनिवर्सिटी में MBBS स्टूडेंट है। सो यश, प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश नॉर्थ साइड में रहने वाला हूँ, आगरा का। और यहाँ पे मैं सच यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ इस समय प्रेजेंट। मेरा पापा पुलिसमैन है एंड मेरा मम्मा हाउस वाइफ है, तो एंड छोटा फैमिली है। एंड सो क्या रीज़न था कि आपने रशिया सेलेक्ट किया? मेरे को यूरोप एजुकेशन काफ़ी अच्छा लगा था कंपैरेटिवली इंडिया। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो इसलिए मैंने रशिया आना चूज़ किया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू MBBS रशिया इज़ वेरी गुड कंट्री फॉर अस। ओके, सो आप आगरा से और आप हमारे ऑफिस से मिलने आए थे। सो आपने क्या ऐसा देखा कि आपने MBBS इन्फो हमारे? मैंने पहले आपको वीडियो ऑनलाइन देखा था, फिर मैंने कुछ सीनियर से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया एंड मुझे पर्सनली आप बहुत अच्छे लगे, बहुत हम्बल, बहुत स्वीट गाय लगे, और आपका रिस्पॉन्डिंग टाइम बहुत अच्छा है। तो इसलिए फिर जब आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो हम लोगों, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने आपसे फर्दर कंटिन्यू किया था। और सच यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की स्पेसिफिक? क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे काफ़ी पुराना है एंड इसका ब्रांड वैल्यू बहुत है पूरे ऑल ओवर यूरोप में, तो इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा एंड एजुकेशन भी इसका बहुत अच्छा है। सो अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको प्रोफेसर काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, इंडियंस का बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे एंड मुझे यूनिवर्सिटी पर्सनली बहुत पसंद है। ये इंडिया और रशियन के रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम यूजुअली आती नहीं है। आपने कभी यहाँ पे रेसिज्म तरह का कुछ फेस किया? नहीं नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इवन दो यहाँ पे जो लोकल पीपल्स हैं वो इंडिया में अपना इंडियन का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। सो अभी बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसा रहा था। सो आप पहले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो एंट्रेंस एग्जाम सच यूनिवर्सिटी में दो सब्जेक्ट्स का होते थे, आपने दिया था, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका एंट्रेंस? मुझे एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, मेरे को कंसल्टेंसी से पूरा सपोर्ट मिला एंड जो भी मेरे को जहाँ भी डिफिकल्टी आ रहा था तो कंसल्टेंसी के जो हेल्पर्स थे उन्होंने मुझे सब हेल्प किया था। बिल्कुल। और आपने शायद कौन सा आपने ऑफिस पे भी आके एग्जाम कौन सा दिया था? केमिस्ट्री एग्जाम दिया था। राइट, तो मेरे को काफ़ी हेल्प आउट हुआ था वहाँ पे और बहुत कोऑपरेटिव है, कंसल्टेंसी बहुत कोऑपरेटिव है। ओके, और पूरा जैसे एडमिशन प्रोसेस है, एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद आपका एग्रीमेंट आया और बाकी का जितने प्रोसेस रहा उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपके साथ? मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा एंड थोड़ा स्टार्टिंग में जो एग्रीमेंट में नेम इशूज आए थे, बट मैंने जब कंसल्टेंसी से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने विद इन वन वीक पूरा सॉल्यूशन करवा दिया था हमारा। यस। ओके, सो आप अभी मॉस्को में हो और ऑलमोस्ट हम सेकंड टाइम मिल रहे हैं, सेकंड टाइम नहीं, इंडिया में भी हम मिले थे, मॉस्को में सेकंड टाइम मिल रहे हैं। सो कैसा अभी तक हमारा एक साथ एक्सपीरियंस रहा है हमारी सर्विसेज को लेके? हमने जो आपको बताया था ऑन कॉल सर्विसेज है एंड जो भी बात है वो ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्ट कर सकते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ थर्ड पार्टी इशू आ रहा हो या फिर कोई चीज़, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, तो यू आर ट्रस्टवर्दी। ओके, सो आपको बेसिकली बात कर सिटी के बारे में, सिटी आपको कैसी लगी? मुझे पर्सनली सिटी बहुत पसंद है, वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है बट एट लास्ट यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है एंड विंटर, आई लव पर्सनली विंटर्स, तो विंटर्स बहुत अच्छी है। अभी विंटर्स रहेंगे मार्च तक, फिर उसके बाद जो है पूरी बर्फ पिघल जाएगी, आपने भी जैकेट नहीं पहनी होगी? क्योंकि मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज हैं, तो मैं हाई ब्लड प्रेशर इशू, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है, फिर भी थोड़ा रखना चाहिए ध्यान। सो थैंक यू यश, एनी लास्ट सजेशंस आप देना चाहेंगे जो अपकमिंग स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ साइड अगर जाना है तो आई विल सजेस्ट MBBS इनको से कांटेक्ट करें एंड दे आर वेरी गुड, लॉयल, ट्रस्टवर्दी एंड हर चीज ट्रांसपेरेंट रखते हैं, सो आई पर्सनली सजेस्ट। थैंक यू वेरी मच यश, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रशिया के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए नंबर पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।